स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर, और मैं हूं रणजीत यादव। आज जो है सामांतर श्रेणी का एक जो है मेन टॉपिक आया है जो योगफल पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। योगफल आधारित प्रश्न को आज आपको ऐसा बताया जाएगा कि समझ लीजिए 7 जन्मों तक नहीं भूल सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया 5+8+11+14+... 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एकदम कंफर्म आएगा, 100% आएगा। अगर नहीं आ जाएगा तो फिर कहना हमारा पढ़ाई ही पढ़ाना बेकार हो जाएगा। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप सभी को पता है कि प्रथम पद इन ब्रैकेट में ए का मान दे दिया गया 5। सार्वंतर निकालना है, सब तरीका वही है। सार्वंतर प्रदर्शित की जाती है डी से डी बराबर सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। किस अवस्था में हो जाएगा 8-5 अर्थात आ जाएगा 3। और 22 पदों तक अर्थात यन का मान दे दिया गया बाबू 22। आप सभी को फार्मूला बताया गया, योगफल प्रदर्शित की जाती यस से। यस बराबर सूत्र होता है एन बाई टू इन ब्रेकेट में 2a+n-1 इंटू होता है डी। तो यन का मान आपको दे दिया गया है 22। तो यस इक्वल टू एन के स्थान पे 22/2 इन ब्रेकेट में 2 × a के स्थान पे 5+n के स्थान पे हो जाएगा 22-1 और इंटू डी का मान दिया गया है बाबू 3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है। यस इक्वल टू 2 × 2 11 × 22 अर्थात 11 इन ब्रेकेट में हो जाएगा 2 × 5 = 10 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे 21 × 3। यस इक्वल टू 11 इन ब्रेकेट में 10+21 होता है बाबू 63। तो यस इक्वल टू 11 × 63 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 73। इस कंडीशन में यस इक्वल टू 11 × 33 = 3 और 11 × 7 = 77, 77 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। इस अवस्था में 22 पदों तक का योगफल आ जाएगा 803। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया बाबू 2+7+12+10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। जैसा कि आप सभी को शायद पता हो गया कि योगफल का फार्मूला क्या होता है और लगेगा क्या, सवाल कैसे लगेगा आप स्वयं लगा सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझने के लिए। आप सभी को पता है कि प्रथम पद इन ब्रैकेट में होता है ए इक्वल टू दिया गया है बाबू 2। सार्व अंतर इन ब्रैकेट में होता है डी इक्वल टू आप सभी को पता है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इस अवस्था में डी इक्वल टू द्वितीय पद आपको दिया है 7 − प्रथम पद है 2 तो सार्व अंतर आ जाएगा 5। इस कंडीशन में यन का मान आप सभी को दे दिया गया है 10 पद तक। तो योगफल ज्ञात करना है, योगफल का फार्मूला तो आप सभी को पता है, प्रदर्शित की जाती यस से। यस इक्वल टू सूत्र बताया गया एन बाई टू इन ब्रेकेट में 2a+ होता है n-1 × d। तो ध्यान देते रहिए, यस इक्वल टू एन के स्थान पे 10/2 2 × a के स्थान पर दिया है बाबू 2 प्लस एन के स्थान पर आपको दिया गया है 10-1 और डी के स्थान पे मान निकाले हैं 5। 2 × 2 = 10 यस इक्वल टू 5 इन ब्रेकेट में 2 × 2 = 4 प्लस 9 × 5 = 5। यस इक्वल टू 5 इन ब्रेकेट में 4 प्लस
पांच का नौ में गुणा करेंगे तो पांच नवा पैंतालीस, यस इक्वल टू आ जाएगा पांच गुणे पैंतालीस में चार जोड़ेंगे तो हो जाएगा उनचास। तो यस इक्वल टू पांच नवा पैंतालीस के पांच हासिल चार, और पांच चौक बीस चार चौबीस, अर्थात इस कंडीशन में योगफल आ गया 245। आपको दिया है भाई माइनस आठ माइनस छः माइनस चार माइनस दो डॉट 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 13 पदों तक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता है बच्चा प्रथम पद इन ब्रेकेट में ए का मान दिया है माइनस आठ। हमें ज्ञात करना है सर्व अंतर इन ब्रेकेट में डी का मान, जो फार्मूला होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी इक्वल टू आ जाएगा द्वितीय पद है माइनस छः, सूत्र का माइनस और प्रथम पद का माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, डी इक्वल टू आठ में से छः घटाएंगे, कहने का मतलब सार्वंतर आ गया दो, और एन का मान ऑलरेडी आपको दिया है 13 पदों तक, और योगफल का सूत्र तो बच्चे बच्चे को पता है। ध्यान दीजिएगा यस इक्वल टू फार्मूला होता है एन बाई टू इन ब्रेकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू होता है बाबू डी। तो ध्यान दीजिएगा यस इक्वल टू एन के स्थान पे है 13 बटा दो हो जाएगा, टू गुणे के स्थान पर है माइनस आठ प्लस एन के स्थान पे है 13 माइनस एक, और डी के स्थान पे मान निकाले हैं आप लोग दो, तो यस इक्वल टू आ जाएगा 13 बटा दो इन ब्रेकेट में माइनस 16 प्लस आ जाएगा 12 गुणे दो, तो यस इक्वल टू मिलेगा 13 बटा दो इन ब्रेकेट में माइनस 16 प्लस हो जाएगा बाबू 24। तो इस अवस्था में यस इक्वल टू आपको मिलेगा 13 बटा दो इन ब्रेकेट में माइनस 16 प्लस 24, अर्थात 24 में से 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 8। इस कंडीशन में इधर चले आइए थोड़ा सा बाबू, यस इक्वल टू मिल जाएगा 13 बटा दो गुणे आठ दो इकन्न दुई दुई चौक आठ, तो यस इक्वल टू 13 चौका हो जाएगा बाबू 52। इस कंडीशन में योगफल निकल गया 52।